नीचे के पार्ट्स में कोई भी डीओ, केमिकल, परफ्यूम, साबुन कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं यूज करना चाहिए, आपको सिर्फ यूज करना चाहिए मेडिकेटेड वजाइनल वॉश। हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सुशीला सैनिक, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वजाइनल इचिंग के बारे में, यानी कि योनि के अंदर अगर आपको खुजली रहती है, जलन रहती है, बार बार परेशानी आती है, गंदा पानी आता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में और हम जान पाएंगे वजाइनल इचिंग के कारण और इलाज दोनों एक साथ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर वजाइना में इचिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण है लोकल इरिटेशन का या वजाइनल इचिंग का, दैट इज वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन यदि वहाँ हो गया है तो डेफिनेटली गीलेपन की वजह से आपको इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है और किसी प्रकार का इरिटेशन भी हो सकता है। अब जो डिस्चार्ज आता है उस कई प्रकार का हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन डिस्चार्ज होता है जिसके कारण सबसे ज़्यादा खुजली होती है, वो है फंगल डिस्चार्ज, यानी कि आपकी वजाइना के अंदर, योनि के अंदर फंगस का इन्फेक्शन होना सबसे ज्यादा बड़ा कारण है खुजली का। इसमें फटे दही जैसा पानी आने लगता है, दही या फिर आप बोलेंगे फटे पनीर जैसा पानी हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा रेडनेस, इरिटेशन और जलन होती है। दूसरा कॉमन कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा कारण ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से तीन प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इसका अगला जो कारण होता है वो कोई एलर्जी हो सकती है, यानी कि अगर आपने कोई साबुन लगाया हो, कोई केमिकल यूज किया हो, कोई डीओ लगाया, कोई परफ्यूम लगाया, किसी भी कारणवश आपको किसी भी चीज से अगर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो आपको खुजली जलन हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है यदि आपने कोई अंडरगारमेंट्स चेंज किए हो, कुछ नया कपड़ा पहना हो या कुछ ऐसी चीज पहनी हो कि जो आपने पहले कभी नहीं यूज की हो, उसकी वजह से भी आपको खुजली जलन इचिंग हो सकती है। चौथा कारण हो सकता है कि अगर आपने वैक्सिंग कराई है लोकल पार्ट्स की, इसकी वजह से भी वहां पे दाने बन सकते हैं, इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है। पांचवा कारण हो सकता है आपका कि यदि आपने इंटरकोर्स किया है और उसमें कंडोम का कोई नया ब्रांड इस्तेमाल किया है, तो कंडोम के ऊपर जो लुब्रिकेशन लगाया जाता है, जो केमिकल लगाया जाता है, हो सकता है कि उससे आपको एलर्जी हो, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी किसी लेडीज को जो कंडोम्स आते हैं, तो कंडोम का एक स्पेसिफिक टाइप होता है, उसका जो केमिकल होता है उसकी वजह से भी इरिटेशन या एलर्जिक होती है। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए कि आप जो भी कंडोम का ब्रांड यूज कर रहे हैं तो आपको सूट करता है या नहीं करता है। और कई बार आपके पार्टनर को इन्फेक्शन होता है और आपके पार्टनर से आपको भी इन्फेक्शन मिल जाता है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जिन लेडीज के अभी नई नई शादी हुई है, नए नए वेडिंग हुई है, उन लोगों को भी हनीमून वजिनाइटिस होता है, हनीमून यूरेथराइटिस हो जाता है, यानी कि लोकल पार्ट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो भी अपना ध्यान रखें। और यदि आप अभी नए नए इस एरिया में या अभी नई शादी हुई है तो आप अपने लोकल एरियाज के हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको उस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हाइजीन मेंटेन करने का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण आप अपने आप को इन सब चीजों से बचा सकते हैं। तो जब भी क्रॉस इन्फेक्शन रोकने की बात आती है तो बात हम कंडोम की ही करते हैं कि कंडोम यूज करने से आपको अपने पार्टनर से क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी कंडोम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए और आप उसके लिए सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि आप नीचे के पार्ट्स में कोई भी डीओ, केमिकल, परफ्यूम, साबुन कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं यूज करना चाहिए, आपको सिर्फ यूज करना चाहिए मेडिकेटेड वजाइनल वॉश, जिससे कि आपको किसी प्रकार की सेंसिटिविटी या एलर्जी ना हो। और जो भी आप वॉश या जो भी कुछ यूज करती हैं वो हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप केमिकल इस्तेमाल करती हैं उतनी ही ज्यादा आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है स्किन की और इरिटेशन और एलर्जी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अगला जो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखती है अपने लोकल एरिया का हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, अंडर गारमेंट्स का प्रॉपर स्टरलाइजेशन करना और उनको गीला नहीं रखना, यानी उनको प्रॉपर सुखाना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, जिससे कि उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो सके और उनके कीटाणु खत्म हो सके और आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना क्रिएट हो। और यदि आपका वजन ज्यादा है तो कई बार हैवी थाइज होने के कारण पसीना ज्यादा आता है और पसीने के कारण कीटाणु डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाते हैं। इसलिए यदि इस गर्मी के अंदर आपको पसीना ज्यादा आता है तो आप हल्के पतले कॉटन के वाले कपड़े यूज करिए, हवादार कपड़े यूज कीजिए, जिससे कि काफी कम मात्रा में आपको पसीना
पसीना क्रिएट हो और आपके इन्फेक्शन ना हो। और यदि इन्फेक्ट पसीना बहुत ज्यादा आता है तो फिर आप बराबर नीचे पेंटी लाइनर्स वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे कि ड्राइनेस बनी रहे। इसके बावजूद भी यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार खुजली जलन होती है, तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे कि वो नीचे का एग्जामिनेशन करके आपको ये बता देंगे कि एग्जैक्टली कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सी मेडिसिन उस पर काम करेगी। बिना मेडिसिन के कई बार ये ठीक नहीं हो पाता, और रिपीटेड इन्फेक्शन होता है तो कई बार हो सकता है कि ब्लड शुगर की लेवल ज्यादा हो, यानी कि आपको डायबिटीज हो, क्योंकि जो लेडीज डायबिटिक होती हैं उनको इन्फेक्शन बार बार होता है और स्पेसिफिकली फंगल इन्फेक्शन ही होता है। इसलिए एक बार ब्लड शुगर का लेवल जरूर चेक करा लीजिए। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी आप नीचे का चेकअप करवा लीजिए। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज का सिर्फ पेट के ऊपर से टमी का चेकअप कर लिया जाता है और नीचे का चेकअप नहीं किया जाता है जनरली, तो कई बार ये छूट जाता है। तो आप एक बार डॉक्टर को आप जब भी शिकायत करेंगे, बताएंगे उनको कि मुझको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो नीचे से भी आपको चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दे देंगे। और अगर नीचे का हाइजीन मेंटेन कर लिया, सिर्फ सिंपल प्लेन वाटर का इस्तेमाल करती हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यानी कि टेक होम पॉइंट्स आपके लिए इस वीडियो में से ये हैं। सबसे पहले सिंपल पानी का यूज कीजिए नीचे के एरियाज को वॉश करने के लिए। दूसरा, हवादार सूती कपड़े पहनिए। तीसरा, अंडर गारमेंट्स को धूप में सुखाइए और गीले कपड़े बिल्कुल ना पहनिए। नीचे किसी प्रकार का सोप या डिटॉल, सेवलॉन, केमिकल कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। वैक्सिंग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। यदि आप हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी पहले चेक कर लीजिए, और अगर कॉन्डोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ब्रांड चेक कर लीजिए कि आपको उसे एलर्जी नहीं हो। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको वजाइनल इरिटेशन नहीं होगा, और यदि फिर भी हो जाता तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप हमें कभी भी फोन करके बात कर सकती हैं और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।